दोस्तों, इंग्लैंड की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जहां इस टीम को रविवार को भारत के खिलाफ 100 रन से बुरी हार झेलनी पड़ी, वहीं अब आईसीसी ने भी अंग्रेजों को 2025 में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी से भी लताड़ फेंका है, जिसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी जॉश बटलर को कप्तानी से हटाने का मन बना चुकी है। इस सब की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया को फाइनल में जीतते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आईसीसी के नियम के अनुसार चैंपियन ट्रॉफी के लिए वर्ल्ड कप की टॉप 7 टीम्स ही क्वालिफाई होती है, और अभी के हालात दिखाते हैं कि इंग्लैंड पॉइंट टेबल में सबसे नीचे नंबर 10 पर है। दोस्तों, ये टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की होड़ से तो बाहर हो चुकी है। आपको बता दें कि इंग्लैंड ने अपने 6 मैच खेल लिए हैं, जिसमें उसे एक में जीत वहीं 5 में हार मिली है। अब इंग्लैंड के पास बाकी के 3 मुकाबले हैं। अगर इंग्लैंड को टॉप 7 में जगह बनानी है तो बाकी के 3 मुकाबले जीतने होंगे, वहीं बेहतर रन रेट के साथ। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि 2025 चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान करेगा और टोटल 8 टीम इसमें भाग लेंगी, जिसमें एक मेजबान पाकिस्तान और बाकी वर्ल्ड कप की टॉप 7 टीम। साथ ही वेस्ट इंडीज की टीम इस बार चैंपियन ट्रॉफी में भी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये टीम वर्ल्ड कप 2023 में क्वालिफाई ही नहीं कर पाई थी। और वहीं जिस तरीके से हालात इंग्लैंड के हैं, वैसे ही कुछ बांग्लादेश के भी हैं, जो पॉइंट टेबल में 9 नंबर पर है। अब अगर इंग्लैंड और बांग्लादेश को 2025 चैंपियन ट्रॉफी खेलना है तो इन दोनों टीम को वर्ल्ड कप पॉइंट टेबल के टॉप 7 में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंग्लैंड और बांग्लादेश 2025 चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।